हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ बजट 2020 से लेके बेस्ट 100 क्वेश्चंस की सेट की। यहाँ पे जो आपके सारे क्वेश्चंस होंगे वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज करंट में जो है आपको बजट से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाने हैं, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। और लास्ट में यहाँ पे हम आपको इसकी रिविज़न भी करवा देंगे ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको एक बार में क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका यहाँ पे, भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो भारत जो है दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है यहाँ पे कि वित्तीय वर्ष 2019 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना था? तो 2019 में राजकोषीय घाटे का अनुमान था 3.8%। यहाँ पे अगर बात करें 2020 से 21 के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे आगे देखा जाएगा, उसमें जो राजकोषीय घाटे का अनुमान रहा वो आपका रहा 3.5%। अगला सवाल है यहाँ पे, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में नॉमिनल जीडीपी कितना रहने का लक्ष्य रहा है? तो ये जो नॉमिनल जीडीपी रही 2020 से 21 में, ये आपको लक्ष्य रखी गई है यहाँ पे 10%, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत का $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य किस वर्ष तक है? तो यह जो लक्ष्य रखा गया है कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएगी, यह लक्ष्य रखा गया है 2024 तक, ऑप्शन नंबर सी। फिर है यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड, यहाँ पे जो भी आपके सवाल बन रहे हैं, 5 लाख रुपए तक के वार्षिक आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो पहले जो थी 5 लाख रुपए तक के वार्षिक आय पर जो है हमें देनी पड़ती थी 5% टैक्स, पर इस बार जो है 5 लाख रुपए तक के वार्षिक आय पर किसी भी टैक्स देने जाने की बात नहीं कही गई है, यानी 0%, ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ पे कि 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक के वार्षिक आय पर हमें कितना टैक्स देना होगा? तो 5 से 7.5 लाख रुपए तक के वार्षिक आय पर हमें देनी होगी 10% टैक्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला है यहाँ पे, जैसे ही इससे आगे बढ़ेंगे, जैसे कि 7.5 लाख से लेके 10 लाख तक के वार्षिक आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो 15% देना होगा, ऑप्शन नंबर बी। जबकि 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक के वार्षिक आय पर हमें देना पड़ेगा यहाँ पे 20% टैक्स, ऑप्शन नंबर सी। उससे आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो 12.5 से 15 लाख रुपए तक के वार्षिक आय पर 25% की बात की गई है, ऑप्शन नंबर सी। और 15 लाख रुपए और उससे अधिक की आय पर बात की गई है 30% की। अगला जो यहाँ पे आपका सवाल बन रहा है वो आपका क्या है कि बजट 2019 से 20 में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितने गैस सिलेंडर बांटने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया है कुल 8 लाख गैस सिलेंडर बांटने का लक्ष्य, ऑप्शन नंबर डी। 2019 से 20 में सरकार की आय प्राप्ति की सबसे बड़ी मद कौन सी है? तो अगर इन सारे ऑप्शंस की बात करते हैं तो 2019 से 20 में सरकार की आय प्राप्ति की सबसे बड़ी मद है वस्तु एवं सेवा कर और निगम कर दोनों, यानी ए और बी दोनों बराबर है, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2020 से 21 में कहाँ पोर्ट संग्रहालय बनाने का ऐलान किया गया है? तो यह किया गया है लूथर में, ऑप्शन नंबर ए। 2020 से 21 में किस शहर में आदिवासी संग्रहालय बनाने का ऐलान किया गया? तो यह किया गया है रांची में, ऑप्शन नंबर ए। 2020 से 21 के अनुसार PPP के तहत कितनी प्राइवेट ट्रेनिंग चलाई जाएगी? तो कुल 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए। 2020 से 21 में नदियों के किनारे विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो यह चलाई गई है अर्थ गंगा योजना नदियों के किनारे के विकास के लिए, ऑप्शन नंबर बी। 2020 से 21 में कितने रेल स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू किए जाएंगे? तो यह जो है 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू की जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। 2020 से 21 में 2024 तक कितने नया एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है? तो यहाँ पे ऐलान की गई है 100 नए एयरपोर्ट बनाने की, ऑप्शन नंबर सी। 2020 से 21 में बड़े शहरों में स्वच्छ हवा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यह जो स्वच्छ हवा के लिए यहाँ पे राशि आवंटित की गई है बड़े शहरों में, वह की गई है यहाँ पे 5000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। 2020 से 21 के घोषणा के अनुसार कितने ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा? तो 1 लाख ग्राम पंचायतों को, ऑप्शन नंबर ए।
2020 से 21 में नई कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स कितना रखा गया है? तो यह रखा गया है 15%, ऑप्शन नंबर सी। 2020 से 21 में किसानों को कर्ज देने के लिए कितनी राशि देने का प्रस्ताव रखा गया? तो कर्ज देने के लिए 15 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। बजट 2020 से 21 में किसानों की उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए किस योजना का ऐलान किया गया है? तो यह किया गया है किसान उड़ान योजना, ऑप्शन नंबर ए। बजट 2020 से 21 में कृषि क्षेत्र को कितने रुपए देने की बात की गई है? तो 2.83 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। 2020 से 21 में इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का ऐलान किया गया है? तो निर्विक योजना, ऑप्शन नंबर बी। बजट 2020 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? तो यह जो बजट पेश किया गया है 2020, यह 2020 से 21 के वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय बजट 2020 से 21 संसद में कब पेश किया गया? तो यह जो है संसद में 1 फरवरी को पेश किया गया, ऑप्शन नंबर सी। बैंक में जमा राशि का बीमा कर 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह जो जमा राशि का बीमा कर किया गया है वह 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय बजट 2020 से 21 संसद में किसने पेश किया है? तो यह पेश किया है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बजट पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री के द्वारा। तो यह पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। बजट 2020 में किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 2020 की जो बजट है वो किन 3 बातों पर केंद्रित रही? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो यह जो है गवर्नेंस, ईज ऑफ लिविंग और वित्तीय, ये 3 बातों पर केंद्रित रही, ऑप्शन नंबर डी। किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामान के तेज परिवहन के लिए कौन सी रेल सेवा शुरू की जाएगी? तो यह शुरू की जा रही है किसान रेल सेवा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर कह रहे नल से जल योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो यह आवंटित किया गया है 3.6 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर ए। भारत नेट योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे? तो नेट योजना के लिए जो है यहाँ पे 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। फिर है आपका यहाँ पे जो अगला सवाल है वो आपका क्या है कि केंद्र सरकार को जनवरी में जीएसटी की वजह से कितने रुपए की आमदनी हुई है? तो जनवरी में जो है जीएसटी की वजह से केंद्र सरकार को जो है यहाँ पे आमदनी हुई है 1.11 लाख करोड़ की, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला सवाल है यहाँ पे कि 2020 से 21 वित्तीय वर्ष के लिए कितने प्रतिशत घाटा अनुमानित किया गया है? तो 2020 से 21 के वित्तीय वर्ष के लिए हमने आपको पहले ही बता रखा है 3.5% अनुमानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी। 2014 से 19 के दौरान हुए भारत में FDI 190 मिलियन डॉलर के मुकाबले कितना हुआ है? तो ये जो है 190 मिलियन डॉलर के मुकाबले यहाँ पे हो गई है 284 मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर सी। कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य तक पहुँचाने के लिए किस योजना को शुरू किया गया? तो यह जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य तक पहुँचाने के लिए कृषि उड़ान योजना को शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। 2025 तक कितने नए एयरपोर्ट शुरू करने की घोषणा की गई है? तो यह जो है 2025 तक कुल 100 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई, ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक गलियारा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो यह जो है 9,000 करोड़ रुपए गलियारे के लिए आवंटित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। औद्योगिक विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्री के लिए विकास के लिए जो है यहाँ पे आवंटित किया गया है यहाँ पे 27300 यानी कि 27,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? तो नवीकरणीय के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उसी तरीके से है कि जीएसटी के अंतर्गत कितने नए करदाता शामिल हुए हैं? तो जीएसटी के अंतर्गत कुल 9 मिलियन नए करदाता शामिल हुए, ऑप्शन नंबर ए। जसवंत सिंह के 2 घंटा 13 मिनट की जो बजट की रिकॉर्ड थी बजट में भाषण देने की, उसे किसने तोड़ा? तो उसे निर्मला सीतारमण ने इस बार तोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है?
तो बजट शब्द का जो प्रयोग है किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो बजट शब्द की जगह जो है यहाँ पे प्रयोग हुआ है दो चीजें, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त तो दोनों। वार्षिक वित्तीय वितरण विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह जो अनुच्छेद में है वो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र अनुच्छेद 112 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। हमारे देश की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री बनी निर्मला सीतारमण, जबकि पहली महिला वित्त मंत्री बनी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। और यह जो थे प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ वित्त मंत्री बनी थी, तो ये जो थी पहली महिला वित्त मंत्री पर पूर्णकालीन रूप से बनी है निर्मला सीतारमण। बजट में क्या होता है? सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है, मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन दिया जाता है। तो उपरोक्त सभी बजट में ये सारे चीजों की जिक्र की जाती है। लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो लगातार दूसरी बार बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने, ऑप्शन नंबर ए। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो कुल तीन प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं उनके नाम यहाँ पे कि कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। तो जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, यानी उपरोक्त तो सभी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? तो सबसे पहले जो स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया गया आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चार ऑप्शंस हैं आपके पास। तो बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो बजट व्यवस्था का जो जनक है वो जेम्स विल्सन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम शेट्टी ने कब पेश किया था? तो उन्होंने पेश किया था 26 नवंबर 1947 को, ऑप्शन नंबर सी। किस प्रधानमंत्री ने पहली बार संसद में बजट पेश किया है? तो सबसे पहली बार संसद में बजट पेश किया गया है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन और फ्रेंच, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो सबसे पहले बजट जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया, ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहला बजट पेश कब किया गया था? तो यह पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को, ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण है? तो यह जो है आपका, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि किस वर्ष का बजट भाषण जो इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा, तो 2020 का, ऑप्शन नंबर ए। जल जीवन मिशन पर कितने रुपए खर्च किए गए? तो जल जीवन मिशन पर कुल 3.60 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, ऑप्शन नंबर ए। स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी। बजट 2020 में वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। बजट 2020 में वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए आर्थिक विकास दर जो है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया यहाँ पे? तो यह जो अनुमान रखा गया कि 2020 से 21 में आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी, तो यह आपको अनुमान रखी गई है यहाँ पे 10% की, ऑप्शन नंबर ए। बजट 2020 से 21 में जम्मू कश्मीर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 30,757 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। 2020 से 21 में लद्दाख के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 5,985 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो 150 करोड़ का, ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है यहाँ पे बजट 2020 में कौशल विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 3,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए। बजट 2020 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की जो है हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है।
बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को कितने करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे? तो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को 9500 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत की पहली बजट पेश की गई थी मुरारजी, यहाँ पे मुरारजी। अगर हम बात करें कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो जॉन मथाई ने। ऑप्शन नंबर बी ए, गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश कब किया गया मोरारजी देसाई के द्वारा? तो 28 फरवरी 1950 को। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने, कुल 10 बार। 2020 में लगातार निर्मला सीतारमण 2 घंटा 40 मिनट भाषण बजट भाषण पढ़कर अपने किस वर्ष की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 2019 का। ऑप्शन नंबर ए, 2020 बजट में स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी? तो यह जो बेची जा रही है IDBI बैंक की पूंजी। ऑप्शन नंबर सी, बजट 2020 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तमिल कवि की कविता सुनाई? तो उन्होंने जो है यहाँ पे सुनाई तिरुवल्लुवर कवि की, यानी ऑप्शन नंबर ए। बजट 2020 में इंजीनियरों को रोजगार देने के लिए कितने साल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दिलाने का ऐलान किया गया है? तो यह जो है 1 साल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दिलाने का ऐलान किया गया, ऑप्शन नंबर ए। बजट 2020 में मोदी सरकार ने किन किन बातों पर फोकस किया है? तो यहाँ पे जो है 2020 में मोदी सरकार ने भारत की आकांक्षा, आर्थिक विकास और एक दूसरे की देखभाल करने वाले समाज पर फोकस किया, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बजट 2020 में शिक्षा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो शिक्षा के लिए जो है 99,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, ऑप्शन नंबर ए। 2020 में कितने नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया? तो यह जो है कुल 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया, ऑप्शन नंबर बी। बजट 2020 में GDP ग्रोथ का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया गया है? तो GDP ग्रोथ का जो अनुमान रखा गया वो 6.5% रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। 2017 से पहले बजट कब पेश किया गया था? तो यह जो है 2017 से पहले जो बजट पेश किया जाता था, यह पेश किया जाता था फरवरी के अंत में, ऑप्शन नंबर बी। 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? तो 1 फरवरी को, ऑप्शन नंबर ए। अंतरिम बजट को हम क्या कहते हैं? तो अंतरिम बजट को कहा जाता है मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट, यानी उपरोक्त दोनों। बजट 2020 में कौशल विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है? तो कौशल विकास के लिए जो है यहाँ पे 3,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई, ऑप्शन नंबर ए। संस्कृति मंत्रालय के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है? तो 2500, यहाँ पे आप एक ऑप्शन कर लोगे 2500, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कह रहे हैं बजट 2020 में पर्यटन मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो पर्यटन मंत्रालय को जो है यहाँ पे 2500, जबकि अगर हम बात करते हैं संस्कृति मंत्रालय को तो यहाँ पे जो है 3150 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि बजट 2020 में किन राज्यों के 5 पुरातत्व स्थलों के संग्रहालय को विकसित किया जाएगा, तो यह किया जाएगा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, तमिलनाडु, यानी उपरोक्त सभी। बजट 2020 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम कब तक पूरा करने की बात कही गई? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की काम जो है यहाँ पे पूरा करने की बात की गई है 2023 तक, ऑप्शन नंबर सी। बजट 2020 में पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो यह आवंटित किया गया है 35,600 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। 2020 में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 85,000 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। बजट 2020 में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कराने का ऐलान किया गया है? तो यह ऐलान किया गया है यहाँ पे 27,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। बजट 2020 मोदी सरकार के कार्यकाल का कौन सा बजट था? तो यह जो है मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट था। बजट 2020 से 21 में रेलवे को कितने रुपए आवंटित किए गए? तो यह जो है यहाँ पे
तो यह जो है 2020 से 21 में रेलवे को कितने रुपए आवंटित किए गए, तो 70,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है यहाँ पे कि 2019 से 20 में रेलवे को कितने रुपए आवंटित किए गए थे, इस बार यहाँ पे किया गया 70,000 करोड़, 2019 से 20 में 1.56 लाख, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है यहाँ पे कि बजट 2018 से 19 के मुकाबले कितना प्रतिशत अधिक बजट 2020 से 21 में रहा, तो यह जो रहा यहाँ पे 17.2% अधिक रहा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आपके सारे सवाल यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कुछ वन लाइनर्स की, ताकि आपको ये सारे सवाल और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वन लाइनर्स को यहाँ पे। तो वन लाइनर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि औद्योगिक विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो औद्योगिक विकास के लिए कुल 27,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, ऑप्शन नंबर। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 27,300 हो गया। फिर कह रहा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए, तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जबकि जीएसटी के अंतर्गत कितने नए करदाता शामिल हुए, तो 9 मिलियन नए करदाता को यहाँ पे शामिल किया गया है। उसी तरीके से है यहाँ पे कि बजट 2020 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है, तो यह 2020 से 21 के लिए पेश हुआ है। जबकि केंद्रीय बजट 2020 से 21 संसद में कब पेश किया गया था, तो 1 फरवरी को। और बैंक में जमा राशि का बीमा कर 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 5 लाख। केंद्रीय बजट 2020 से 21 संसद में किसने पेश किया है, तो निर्मला सीतारमण ने। बजट 2020 में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2022 तक। बजट 2020 किन बात तीन बातों पर केंद्रित रहा, तो गवर्नेंस, इज ऑफ लिविंग और वित्तीय पर। किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामान के तेज परिवहन के लिए कौन सी रेल सेवा शुरू की जाएगी, तो किसान रेल सेवा यहाँ पे शुरू की जा रही है, ताकि उनके जो भी जल्दी खराब होने वाले सामान है वो तेजी से पहुंच सके। फिर कह रहे हैं नल से जल योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो 3.6 लाख करोड़ रुपए। भारत नेट योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, तो 6,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार को जनवरी में जीएसटी की वजह से कितने रुपए की आमदनी हुई है, तो 1.11 लाख करोड़ रुपए की। 2020 से 21 वित्तीय वर्ष के लिए कितने प्रतिशत घाटा अनुमानित किया गया है, तो 2020 से 21 के लिए 3.5%, जबकि पिछले वर्ष यह जो अनुमानित किया गया था 3.8% किया गया था। 2014 से 19 के दौरान हुए भारत में एफडीआई 190 मिलियन डॉलर के मुकाबले कितना हुआ है, तो 284 मिलियन डॉलर यह पहुंच गया है। यहाँ पे बात की जा रही है कि कृषि उत्पादकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा, तो कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जा रहा है यहाँ पे, कि कृषि उत्पाद को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य तक पहुँचाया जा सके। 2025 तक कितने नए एयरपोर्ट शुरू करने की घोषणा की गई है, तो कुल 100 नए एयरपोर्ट शुरू करने की घोषणा की गई है 2025 तक। आर्थिक गलियारा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, तो 9,000 करोड़ रुपए। औद्योगिक विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो 27,300 करोड़ रुपए। जबकि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए जो है 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। और जीएसटी के अंतर्गत नए करदाता शामिल हुए हैं 9 मिलियन। उसी तरीके से है कि जसवंत सिंह ने के 2 घंटा 13 मिनट के बजट भाषण के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा, तो इसे जो है निर्मला सीतारमण ने इस बार 2020 से 21 के बजट पेश करते हुए 2 घंटा 13 मिनट का जो रिकॉर्ड है जसवंत सिंह का, उसे तोड़ दिया। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है, तो किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द की प्रयोग नहीं की गई है, इसके जगह पर दूसरे शब्द की प्रयोग की गई है। वो दूसरे शब्द क्या है, कौन सा शब्द है जो इसकी जगह पर प्रयोग हुआ, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है, यानी बजट का जिक्र जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में। हमारे देश की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, तो निर्मला सीतारमण बनी। हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी, तो इंदिरा गांधी बनी।
लगातार दूसरी बार बजट यहाँ पे पेश करने की बात हो रहा है कि लगातार दूसरी बार बार जो है बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है यहाँ पे। तो लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली महिला जो वित्त मंत्री बनी वो बनी है निर्मला सीतारमण। इन्होंने 19 से 20 और 20 से 21 दोनों का बजट पेश किया है। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो 3 प्रधानमंत्रियों ने, उनके नाम है जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? तो आर के शनमुखम सेट्ठी ने। अगर हम बात करते हैं कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो जॉन मैथई ने। बजट शब्द का अर्थ क्या है? तो बजट शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम सेट्टी ने पेश किया। जैसा कि हमने देखा, उन्होंने इस बजट को कब पेश किया? तो 26 नवंबर 1947 को। किस प्रधानमंत्री ने पहली बार संसद में बजट पेश किया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसमें दो भाषाओं में विवाद है, लैटिन या फ्रेंच। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि कितना रहने का लक्ष्य रहा है? तो 10% रखा गया है नॉमिनल जीडीपी वृद्धि का। उसी तरीके से वित्तीय वर्ष 2019 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना रहा? तो 3.8%। भारत दुनिया की किस नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो 5वें नंबर की। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, ये आप हमें लाइक कमेंट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।